हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में खनिज संपदा के बारे में, और अगर हमें राजस्थान में खनिज संपदा को अगर समझना है तो सात बिंदुओं के लिए मैंने बताया था आपको, जिसमें से हमने पहला बिंदु कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के खनिजों का दृष्टिकोण। आज का जो बिंदु है, सेकेंड नंबर का टॉपिक है, वो है खनिज चट्टानों से संबंधित, कि राजस्थान में किस प्रकार की चट्टानें मौजूद है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे राजस्थान में खनिज संपदा, यह टॉपिक अपना चल रहा था। ठीक है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संपूर्ण खनिज संपदा को समझने के लिए सात बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। ठीक है, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, जो क्या था, खनिजों का दृष्टिकोण। ठीक है, जिसमें मैंने आपको खनिजों के बारे में बताया था कि राजस्थान में खनिजों की स्थिति क्या है, उसकी विविधता क्या है, राजस्थान को क्यों खनिजों का अजायब घर कहते हैं, खनिज की आय, खनिजों का उत्पादन और उनके भंडारण से संबंधित टॉपिक जो है हमने खनिज के दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ लिया था, जो कि राजस्थान से संबंधित था। आज का जो दूसरा बिंदु है, जो अहम बिंदु है आज का, वो है खनिज चट्टाने। ठीक है, अब राजस्थान में खनिजों के चट्टानों के बारे में आपको अध्ययन करना है। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर तीन प्रकार की चट्टाने हुई है। कितने प्रकार की चट्टाने हुई है? तीन प्रकार की। वो चट्टाने कौन कौन सी है, लिख देते हैं अपन। राजस्थान में तीन प्रकार की चट्टाने प्रमुख है। अब वो प्रमुख चट्टाने कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर की आती है औसादी चट्टाने। ठीक है, दूसरे नंबर की जो चट्टान है उसका नाम है धारवाड़ चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने। और तीसरे नंबर की जो चट्टान है उसका नाम है विंध्यन क्रम चट्टाने। ठीक है, चट्टाने, ठीक है, ये तीन चट्टाने आपके राजस्थान के खनिज चट्टानों के अंतर्गत उपस्थित है। अब आपको मैं बताऊंगा कि औसादी चट्टानों में कौन कौन सी चट्टाने आती है, राजस्थान में उपलब्ध है, धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टाने मौजूद है, और विंध्यन क्रम चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टाने, मतलब तीनों की चट्टानों का अध्ययन, इनका वर्णन जो भी है वो मैं बताऊंगा, और आपको राजस्थान के मानचित्र में इनकी स्थिति का भी वर्णन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, सामने आपके राजस्थान का मानचित्र बना हुआ है, और इस राजस्थान के मानचित्र में हम तीन चट्टानों को प्रदर्शित करेंगे कि औसादी, धारवाड़ और विंध्यन क्रम वाली चट्टाने कहाँ मौजूद है और इन चट्टानों में कौन कौन सी चट्टाने मौजूद है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं औसादी चट्टान की। पहला पॉइंट डाल लेंगे औसादी चट्टाने। देखिए, अगर मैं औसादी चट्टान की बात करूं तो आपके राजस्थान के मानचित्र के अंदर जो अरावली पर्वतमालाएं हैं, ये आपकी अरावली है, इस अरावली पर्वतमाला के ठीक ऊपर वाला जो ये पार्ट है, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आपके संपूर्ण औसादी चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, ये आपके औसादी चट्टान से संबंधित है, औसादी चट्टाने। ठीक है, इस औसादी चट्टान की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है ये वाला भाग। अब देखिए, औसादी चट्टान मतलब क्या? औसादी चट्टान के अंतर्गत अधात्विक और ऊर्जा खनिज भंडार जो है वो सर्वाधिक इस भाग के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं और कोयला एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मतलब औसादी चट्टान कौन सी हो गई?
अधात्विक और ऊर्जा खनिज भंडार, ठीक है, अधात्विक व ठीक है ऊर्जा भंडार के अंतर्गत, जैसे कि ऊर्जा जिससे हमें, ऐसे संसाधन जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हो, ठीक है, जैसे पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ठीक है, और ऊर्जा संसाधन, अधात्विक व ऊर्जा खनिज भंडार लिखिए इस जगह, ऐसे कीजिए, खनिज भंडार की उपस्थिति अधिक है, मतलब इस वाले भाग में अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा ना हो, ऐसे खनिज और ऊर्जा खनिज भंडार इस वाले भाग में मौजूद है। उदाहरण के तौर पर हम, जैसे मैं अभी उदाहरण बताया मैंने आपको, जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक है, और कोयला, ये सारे के सारे भाग जो है आपके इस वाले भाग में मौजूद है। ये पहला बिंदु अपना कंप्लीट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरावली वाले क्षेत्र की। देखिए जो अरावली क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र के अंदर ये हमारा पहला बिंदु कंप्लीट होता है। अब दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, ये दूसरा बिंदु जो कि धारवाड़ चट्टानों से संबंधित है, ये आपके अरावली वाले भाग से संबंधित है, मतलब इस क्षेत्र में ये मौजूद है। टॉपिक डालेंगे धारवाड़ चट्टाने। अब देखिए धारवाड़ चट्टानों की अगर हम बात करें तो धात्विक खनिज, इसमें तो अधात्विक खनिज, इसमें धात्विक खनिज भंडार अधिक मिलेंगे और इसी कारण से इससे आमदनी भी अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि धात्विक खनिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अधात्विक खनिज की तुलना में, ठीक है। लिखेंगे धात्विक खनिज की उपस्थिति यहां अधिक, ठीक है, ये दूसरा बिंदु अपना, ठीक है, आमदनी का अधिक स्रोत, ठीक है, इसे माना गया है इस क्षेत्र को। अब उदाहरण के तौर पर यहां पर कौन कौन से खनिज मौजूद है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अब धात्विक खनिज कौन से होते हैं, जैसे कि लोहा अयस्क है, ठीक है, जैसे कि तांबा है, ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सीसा है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, ये सारे के सारे खनिज आपको इन अरावली वाले क्षेत्र में उपस्थित मिलेंगे, ठीक है। यहां पर अपने दो पॉइंट कंप्लीट होते हैं, एक औषधि चट्टान जो कि पहला बिंदु से संबंधित, इस वाले क्षेत्र से संबंधित, दूसरा अपना है धारवाड़ चट्टाने जो कि आपके इस अरावली क्षेत्र से संबंधित। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का बिंदु, विंध्यन क्रम चट्टाने, यहां डाल देता हूं मैं तीसरा, विंध्यन क्रम वाली चट्टाने। अब देखिए अगर मैं विंध्यन क्रम चट्टानों की बात करूं तो इसकी उपस्थिति कहां है, देखिए ये जो भाग आपको दिख रहे हैं, इस वाले भाग के अंदर विंध्यन क्रम वाली चट्टाने मौजूद है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कोटा का नाम सुना है आप लोगों ने, कोटा जिला, कोटा जिला जिसमें कोटा स्टोन निकलता है, सैंड स्टोन निकलता है, ये जो क्षेत्र है वो यही वाले क्षेत्र है जहां पर विंध्यन क्रम वाली चट्टाने मौजूद है। ये जो क्रॉस का निशान लगाया मैंने, ये वाले क्षेत्र इससे संबंधित है, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है मैं यहां पर मैंशन कर देता हूं, इस क्रम वाली चट्टाने के अंदर कौन कौन सी चट्टाने मौजूद है, जैसे कि कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, ठीक है, दो स्टोन मतलब दो चट्टाने तो आपकी ये है, इसके अलावा लाल पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, ये भी आपके यहां पर अधिक मात्रा में मिलते हैं, लाल पत्थर और चूना पत्थर यहां अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अपने ये तीसरा बिंदु भी कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको तीन भागों के अंदर राजस्थान की खनिज चट्टानों के बारे में बताया शॉर्ट तरीके से, एक बार रिपीट कर रहा हूं सुन लीजिए, हमारे राजस्थान के खनिज चट्टानों को तीन भागों में बांटा है, एक औषधि चट्टान, दूसरा धारवाड़ चट्टान और तीसरा विंध्यन क्रम वाली चट्टान।
अवसादी चट्टान के अंतर्गत अधात्विक खनिज आते हैं और ऊर्जा खनिज भंडार आते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और कोयला है। ठीक है, क्योंकि कोयला जो है वो अधात्विक है, इसमें कोई धातु नहीं पाई जाती। ठीक है, धारवाड़ चट्टाने जो होती है इसमें धातु, मतलब धातु वाली चट्टाने मिलेगी, जिसे हम धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। तो वो आपके इस धारवाड़ चक्रम वाली चट्टानों में मिलते हैं, ये वाली चट्टान इस क्षेत्र में और ये वाली चट्टान आपके इस क्षेत्र में। अब देखिए आमदनी के लिए ये बहुत ही अच्छा खनिज माना जाता है, क्योंकि इसमें धातु उपस्थित होती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लोहा अयस्क है, तांबा है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, ये मुख्य रूप से आपको अरावली वाले क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, यहां पर तो पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला मिलेगा, यहां पर आप पर लोहा अयस्क, तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता आपके राजस्थान में यहां मिलेगा। इसके अलावा विंध्यन क्रम चट्टानों की बात करें तो कोटा स्टोन आपका कोटा में मिलेगा, सैंडस्टोन भी कोटा वाले आसपास के क्षेत्रों में मिलेगा, लाल पत्थर, चूना पत्थर भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको राजस्थान के संपूर्ण खनिज संपदा के अंतर्गत जो 7 बिंदु बताए, उस 7 बिंदु के अंदर दूसरा बिंदु हमारा खनिज चट्टान कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।